आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट जारी है गौ माता का। देखो सर इधर लाओ थोड़ा टॉर्च, इधर टॉर्च, कीड़ा कीड़ा, कीड़ा। देख रहे हो आप, देख रहे हो कीड़ा है, देख सकते हैं आप। देखो कैसे निकलेंगे ये, थोड़ा इधर दिखाओ आप आगे। हाँ ये ऐसे मर जाएंगे इससे कीड़े? बिल्कुल सर, अभी सब निकलेंगे, सब निकल के जाएंगे बाहर। हाँ देखो कितने चल रहे हैं, ऊपर ऊपर भी है, ऊपर भी, हाँ यहाँ भी है। वो आप डलने दो इसे, आप देखते हो, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत का काम है। किसी इंसान का ट्रीटमेंट करना तो आसान है, पर किसी जानवर का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली गायें जो संभल में नहीं आती। कुत्ते का तो आप फिर भी कर लेते हैं मुंह बांध के, छोटा होता उठा लेते हैं। इसको कहाँ उठा के ले जाएंगे आप? नहीं, इसको आप कहाँ उठा के ले जाएंगे? कौन सी गाड़ी है इनके लिए बताओ? कोई सरकार सुविधा देती है या कोई एन जी ओ देता है तो अच्छी बात है, उनके हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार सुविधा देती है बताओ? कौ के गाँव, गाँव के लिए, कौ के लिए कोई ट्रीटमेंट है? गाय के लिए सीधी देसी भाषा में बोल रहा हूँ, गौ माता के लिए कोई ट्रीटमेंट है? ये खुद ही आगे इनको करनी पड़ी है, कोई नहीं आया। देखो कितने कीड़े हैं, आप देख सकते हैं कितने कीड़े हैं ऊपर ऊपर, यहाँ देखो सारे मर गए। दीपक जी ने बहुत हेल्प करी है, दीपक जी ने हटाए हैं कीड़े। अब ये बिल्कुल मार रहे हैं कि इतना तगड़ा पॉइजन छोड़ा है, इस पर मेडिसिन छोड़ी है कि कीड़े खुद मर जाएंगे। ये निकल रहे, देखो कैसे तड़प तड़प के निकल रहे हैं कीड़े, आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, देखिए आप। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, गाय आप छोड़िए, और गाय की सेवा करते हैं तो उनके पूरी तरह चेकअप भी करें, इनको कोई जख्म तो नहीं हो रहा? देखो इसका जख्म किसी ने चेक नहीं करा, इसका जख्म इतना बड़ा हो गया। याद दीपक जी ने इतनी हेल्प करी है, दीपक जी खुद आए हैं, दीपक छाबड़ा जी, और उन्होंने पूरे 2 घंटे रात को लगाए हैं और सुबह 1.5 घंटा लगाया है। वो बिल्कुल अपने हाथ से साफ किया है। वो मैं गाय को पकड़ता था तो वो पीछे से दवाई लगाते थे, गाय भागती थी, फिर हमें लगा कि हमें लग जाएगी चोट, इसलिए हम लोगों ने इनको बुलाया, क्योंकि ये जितना कर सकते हैं ऐसे बांध के वो कोई नॉर्मली डॉक्टर भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब भी आए थे तो क्या करते हैं जब गाय बंधेगी नहीं, तो कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, जो गाय कुछ नहीं कर सकते। अब मोनिका डॉक्टर को फ़ोन किया, दीपिका को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया था, तो संडे होने के कारण तो अवेलेबल नहीं हो पाए। अभी मेडिसिन लगने जा रही है, दीपक जी के साथ मैं नितिन, ये निष्काम भाव से करते हैं और बहुत दिल से। रात को 1 बजे उठ के आ गए, रात को 1 बजे आ गए उठ के नींद से, इसके बारे में बता दो। हाँ ये क्या है सर? हाईटेक है, कि 6 महीने का कोर्स, लेकिन 3 महीने का मानते हैं, इससे ना कीड़े काटेंगे ना पेट में ना। दीपक जी मास्क हल्का सा उतार लो, हाँ। इससे ना कीटाणु होंगे इसके। ये क्या है? ये कह रहे हैं कि इससे 6 महीने का कोर्स है, हम 3 महीने का करेंगे। हाँ। श्यामा देखो आप पट्टी होते हो, इसकी क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। हाय राहुल, हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल तुम्हें NCL इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. ये पट्टी करते हुए बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर जी, ऐसा मत बोले, शोक आपके गाने हमने सुने हैं, अब एक गाना सुना दीजिए। जाती हूँ मैं। इनको मैंने बड़े गाने सुनाए। अच्छा अच्छा। ये क्या रहे थे दीपक साहब? मैं जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा देख लेना आप मिलते हो। देखो पट्टी कर दी है, अब सिर्फ कोई कीड़े आने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जब तक ढका रहेगा मक्खी बैठेगी नहीं, मक्खी बैठती है तभी कीड़ा होता है। अब कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि अब ये ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, तो मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दीपक जी को आपको मिला चुका हूँ, ये हमारे भाई लोग हैं सारे, तो ये देखिए भाई लोग, इन्होंने ट्रीटमेंट किया, परसों आएंगे, परसों खोल देंगे। अभी गाय माता की सेवा इन्हीं के चरणों की वजह से तो हम जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आज ऑक्सीजन हमें इन्हीं की वजह से मिल रही है। बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवता का, 33 करोड़ देवी देवता का, साक्षात भगवान 33 करोड़। ये तो भगवान है, बस ये है कि अभी अपना असली रूप दिखा नहीं रहे। परमात्मा है तो परमात्मा ही हमारे लिए, तो ये हमारी श्यामा गाय बहुत प्यारी है, परमात्मा ने करना हमारे लिए भी सब कुछ, सबके लिए। देख सकते हैं आप, अभी ट्रीटमेंट पूरा हो गया, इन्होंने पूरी पट्टी कर दी है। मैं लास्ट वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, और ये सामान रख रहे हैं, ठीक है। और मैं नितिन दीपक जी के साथ
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इनको खिलाते हैं खिलाएं, पर उनको अपनी परिवार की तरह पालें, या उनको समझें कि इनको जख्म है तो इनकी आप फ़ोन करें, इन भाई साहब का नंबर मैं सेंड कर दूंगा। ये गढ़ में जो गौशाला है ना, 400 गाय हैं, मेरे दोस्त भी है वो, और मथुरा में भी इनकी गौशाला, तो मैं इनका नंबर सेंड कर दूंगा आपको। उसके बाद आप कहीं से, ये कहते हैं हम कहीं भी चले जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनको सिर्फ मेडिसिन के पैसे दे देना अगर हो सके, नहीं तो वो भी, नहीं तो वो भी हम करा देंगे, वो भी हम करा देंगे, मेडिसिन के पैसे करा देंगे। किसी को भी गाय की ट्रीटमेंट कराना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर सेंड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ हेल्प किया इन्होंने बहुत बढ़िया, इस गाय का पैर बचाया और गाय को ही बचाया, एक तरह से नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी दी है, नहीं भागेगी भागेगी। बस 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 बस, सेल्फी लेते हुए दीपक जी आइए, मैं नितिन, दीपक जी, थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? अरे मैं तो तंग आ गया, 3 महीने हो गए मास्क लगा लगा। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना, कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, पर तो सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है, कोरोना से बचाव भी कोरोना की वैक्सीन है।